बरसात के दिनों में शव का दाह संस्कार करने के लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एक बुजुर्ग महिला ने बेशकीमती 6 आरी जमीन आदर्श मोक्ष धाम के निर्माण हेतु दान की। बताया गया कि गांव कोदिया खेड़ी में शमशान के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं थी। बरसाती नाले में शव का दाह संस्कार किया जाता था। बरसात के दिनों में दाह संस्कार करने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए वृद्ध महिला कंचनबाई शर्मा ने पंचायत समिति प्रधान भेरूलाल चौधरी से संपर्क कर आदर्श शमशान घाट निर्माण हेतु अपनी निजी अराजी से बेशकीमती खाली जमीन शमशान घाट निर्माण के लिए देने का फैसला किया। प्रधान चौधरी ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाकर जमीन को शमशान घाट के नाम करवाया। कि हर गांव में मोक्ष धाम हो और वो भी मॉडल के रूप में हो, और इसी के संदर्भ में इससे पहले बहुत सारे गांवों में मॉडल शमशान घाट बन चुके हैं और बन भी रहे हैं और भी भेज भी रहे हैं, लेकिन कोदेखेड़ी गांव ऐसा था जो ग्राम पंचायत रंगच का गांव है, वहां पे मोक्ष धाम की ने जमीन नहीं थी कहीं भी, और एक बाले के अंदर शमशान जलाते थे। तो उसके बाद सरपंच साहब ने जब अवगत कराया तो वहीं के एक कंचन देवी जी है, कंचन भाई ब्राह्मण है, उन्होंने आगे आकर 3 लाख रुपए कीमत की जमीन ग्राम पंचायत के नाम पे शमशान के नाम पे की। उसके लिए मैं कंचन भाई का और उनके पूरे परिवार का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार जताता हूँ।